वेलकम करते हैं आज की वीडियो में। सो आज हम बात करने वाले हैं Vivo Y13 के बारे में, Y30 के बारे में, जो होने वाला एक 5G स्मार्टफोन Vivo की तरफ से, और ये बड़ी जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में आपको मिलने वाला है। किस स्पेक्स पे मिलने वाला है, क्या इसकी प्राइस होगी, क्या प्रोसेसर होगा, सारी डिटेलिंग कवर करेंगे। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Y33 की जहाँ तक मैं वेट की बात करूँ तो यहाँ पे होगा 193 ग्राम का वेट, और उसके साथ 8.25 mm की यहाँ पे थिकनेस आपको मिलने वाली है। और कैमरा सेटअप की बैक से मैं बात करूँ तो 50 megapixel आपको बैक पे मिलने वाला है, और उसके साथ 2 megapixel ओके लेंस मिलने वाला है। जहाँ तक मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.51 inch का आपको IPS LCD मिलने वाला है, वो भी सिर्फ 16 Hz का, ना आपको 120 Hz ना 90 Hz से इस बार मिलने वाला है। और नॉच की बात करें तो आपको जो Vivo पहले से देता आ रहा है वही नॉच आपको मिलने वाला है। जो बैक से आजकल ये 33 सीरीज में चला रहे हैं तो वही आपको, मतलब बैक से डिज़ाइन, कैमरा मॉड्यूल और बैक से पूरा डिज़ाइन वही मिलेगा। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट इसमें होने वाला है, और फ्रंट से सेल्फी सुन के आप बड़ा खुश होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 megapixel का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। जो इसकी प्राइस है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, उसको सुन के आप लेने वाले हैं। एंड्रॉयड 12 पे ये बेस्ड आपको मिलेगा, विद फन टच OS 12 के साथ ही आपको एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड मिलने वाला है। और इसकी बैटरी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 5000 की यहाँ पे बैटरी आपको मिलेगी, उसके साथ 10 वोल्ट का आपको फास्ट चार्जर इसमें मिलने वाला है। 3.5 mm जैक इसमें आपको मिलेगा। रैम की वेरिएंट्स की बात करें तो 6GB 8GB रैम की वेरिएंट कंफर्म हो रहे हैं, और 1 to 8GB रोम यहाँ पे कहा जा रहा है कि होगा, और LPDDR4X रैम इसमें होने वाली है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर कि इसमें कौन सा प्रोसेसर आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है Dimensity 700, जो मतलब एक 5G प्रोसेसर है, और हमने इसको चेक भी किया है पोको M3 प्रो में, इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। आपको मतलब स्क्रीन पे अल्ट्रा और HD में हाई दे देते हैं, और एक 5G प्रोसेसर है तो मतलब प्रोसेसर सही है, पर कैमरा इसका फ्रंट से भी कमज़ोर है, बैक का भी मतलब सही कह सकते हैं। आजकल अब भी 50 megapixel दे रहे हैं, 90 Hz है ना, 120 Hz, यहाँ पे भी डिक्रीज है स्मार्टफोन तो डिक्रीज इसमें बड़े दिए गए हैं, मतलब डिस्प्ले में भी दिया गया, फ्रंट सेल्फी में है, नॉच हुई पुरानी आपको मिलेगी, सिर्फ एक प्रोसेसर का यहाँ पे अपग्रेड हुआ है, और पहले 18 वोल्ट चार्जिंग मिलती थी उसको भी कम करके 10 वोल्ट पे ले आए हैं। और इसकी प्राइस भी मतलब बड़ी हाई है, प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसकी प्राइस जो बोला जा रहा है वो होगी 55,000 से 50,000 बीच में। सो इतनी हाई प्राइस में स्मार्टफोन यार बिल्कुल मैं रिकमेंड ही आपको नहीं करूँगा। और ये बोला जा रहा है कि कुछ नेक्स्ट मंथ में आपको ये पाकिस्तानी मार्केट में, एशियन मार्केट मतलब पाकिस्तानी मार्केट में भी मिलेगा, और यार ये कुछ तो इसमें खास है नहीं, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, तो आपको लेना है तो ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड ये स्मार्टफोन नहीं करूँगा, ये जैसी भी हालात हूँ, इससे अच्छा आप यूज़ में भी अच्छा स्मार्टफोन ले लें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और बेल आइकन ऑन करें। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।